नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ईद उल जुहा बकरीद का पावन त्यौहार कैथल में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाह में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ईद की नमाज अदा की। इसके पश्चात उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ईद और ईद उल जुहा बकरीद का पावन त्यौहार आपसी भाईचारा, प्रेम, प्यार और अनेक तरह का संदेश लेकर आता है। सभी समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को मिलकर बधाइयां देते हैं, साथ में मिठाइयां भी बांटी जाती हैं। इस मौके के बाद ईदगाह के बाहर मेला भी लगता है, जहां बच्चे महिलाएं खरीदारी करते हैं। आज ना ये विशेष क्या है, बस अपना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ये अहम दिन है इस्लाम में। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि भाई ये भाईचारे का और प्रेम प्यार का, ये दोनों जो त्यौहार हैं ईद और बकरा ईद, ये दोनों ही प्रेम का संदेश देते हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह ताला खुश रखे, माल असबाब में इजाफा अता फरमाए, सबका भाईचारा प्रेम प्यार बना रहे, यही दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से। आपस में भाईचारा का संदेश देते हैं, एक दूसरे को मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, सब एक साथ देश में अमन शांति रहे, मिलजुल कर रहें, यही हमारी सबकी दुआ है ऊपर वाले से अल्लाह ताला से। ये ईद उल जुहा का दिन है, इस दिन सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अपने देश के लिए, पूरे जहान के लिए हम लोग अमान की दुआ मांगते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्यौहार संदेश देता है एक साथ मिल के रहने का, कुर्बानी देने का, अपनी जान की, अपनी माल की, इंसानियत के लिए, अपने देश के लिए और अच्छे कामों के। बिल्कुल आपने सही बोला, हम सब देश के लिए, अपने लिए, सब के लिए, सबकी तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं इस दिन, और सबके अमलो अमाल के लिए, सबकी जान में खैर बरकत के लिए, सबके लिए इकट्ठे दुआ मांगते हैं। दिल से आवाम के लिए सुख शांति की दुआ मांगते हैं। आज का जो ईद उल जुहा का त्यौहार है, ये आपसी भाईचारे का संदेश देता है, आपस में सबको गले मिलने का संदेश देता है। और ये कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी चाहे माल की हो, चाहे टाइम की हो, देश के लिए हर किसी के लिए कुर्बानी देना वाजिब है। ये जो मेन संदेश है ईद का, आपसी भाईचारे का संदेश है, देश में और दुनिया में सभी आपस में एक हों और गले मिलें, सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सभी आपस में गले मिलें और इससे देश की तरक्की हो।
जाएगा।